स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं ट्रायंगल चैप्टर का एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ए डी बी सी एफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इक्वल। यू हैव टू प्रूव द ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके एल्टीट्यूड्स हैं ए पॉइंट से ए डी। ए डी एल्टीट्यूड मीन्स ये 90 डिग्री बनेगा। एल्टीट्यूड का मतलब ए पॉइंट से अगर बी सी पे आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे मीन्स वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, मीन्स ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी होगा। ठीक है, ऐसे ही बी ई, बी ई और दूसरा है, थर्ड है सी एफ। तो ये आपको दिया हुआ है, इक्वल भी दिए हुए हैं। क्या गिवन है? फिगर नहीं है, फिगर हमने खुद से बनाया है। हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या हुआ? ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमें गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर हम तीन साइड्स इक्वल प्रूव कर दें या तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव करें तो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, कोई भी दो ट्राइंगल्स पहले लेके हम कॉन्ग्रेंट कर दें। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस में इस तरह का ट्राइंगल बहुत बार लिया हुआ है, एक ये ट्राइंगल ले रही हूँ मैं, क्या नेम, बी एफ सी और दूसरा ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड बी ई सी में क्या क्या इक्वल है, अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दें, सोचिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें तो सीपी सीटी से इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल नहीं, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल कौन सा, बी एफ सी, बी एफ सी ट्राइंगल का एंगल बी और बी ई सी ट्राइंगल का एंगल सी इक्वल हो जाएंगे सीपी सीटी से अगर हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया। ठीक है, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बाकी तो सिमिलरली करके सब हम बनाते जाएंगे। तो देखो बी एफ सी में क्या क्या है, बी एफ सी में ये एंगल 90 डिग्री है, मैं एंगल वन नेम दे दूं और यहाँ पर एंगल टू। ठीक है, आप चाहो तो बी एफ सी भी लिखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बिकॉज एंगल वन ईच 90, बिकॉज ईच 90 क्योंकि हमें एल्टीट्यूड गिवन है। ठीक है, और क्या इक्वल है, दोनों में कॉमन साइड है, बी सी दोनों में है कॉमन, बी सी इज कॉमन साइड, और क्या इक्वल है देखते हैं, एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, हमें गिवन है इन इस ये जो दो हमने ट्राइंगल्स लिए इनमें कौन कौन से एल्टीट्यूड आएंगे, हमारे पास है बी ई सी एफ, सी एफ और बी बी ई। तो यहां से देखो बी एफ सी में सी एफ एल्टीट्यूड है, ध्यान से देखो कौन सा पहले लिखोगे, जो ट्राइंगल का नाम लिख रहे हो उसके उसके करस्पॉन्डिंगली उसका एल्टीट्यूड पहले लिखोगे, फिर जो दूसरा ट्राइंगल लिख रहे हो उसके करस्पॉन्डिंगली उसका एल्टीट्यूड का नेम लिखोगे। ठीक है, तो बी एफ सी में एल्टीट्यूड कौन सा है, बी एफ सी में एल्टीट्यूड है सी एफ, सी एफ इज इक्वल टू बी ई सी में, बी ई सी में एल्टीट्यूड कौन सा है, बी ई। ठीक है, गिवन इक्वल एल्टीट्यूड्स है, तो अब हमारे पास दो साइड है और एक एंगल, तो चेक कर लें, दो साइड है और एक एंगल मीन्स ऐसे ऐसे की पॉसिबिलिटी है, तो पहले चेक कर लें कि एंगल इंक्लूडेड है या नहीं है, अगर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चेक करते हैं हम दो साइड, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, बी एफ सी लेते हैं, बी एफ सी में हमारे पास है ये 90 डिग्री, अच्छा आर एच एस भी हो सकता है ना क्योंकि 90 डिग्री है, चलो आर एच एस भी ट्राई करेंगे, 90 डिग्री है, फिर ये साइड है हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड है, तो ऐसे एस तो नहीं होगा क्योंकि एंगल इंक्लूडेड नहीं है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एंगल ये है, इसका मतलब ऐसे एस तो नहीं हो रहा, आर एच एस हो रहा है क्योंकि एक 90 डिग्री है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज और एक ये साइड। ठीक है, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज बी सी है और साइड है सी एफ। ठीक, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ई सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, इस वाले ट्राइंगल का पहला जो नेम हमने लिया है, इस ट्राइंगल में एंगल बी, एंगल बी मतलब ए बी सी या एफ बी सी, एफ बी सी लिख देते हैं हम, एफ बी सी इज इक्वल टू, सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास बी ई सी,
बी ई सी ट्राइंगल में ये वाला एंगल कौन सा, ई सी बी, एंगल ई सी बी इक्वल होगा सी टी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर एफ बी सी इक्वल टू ई सी बी हो गया, इसका मतलब दो एंगल्स इक्वल हो गए इस ट्राइंगल ए बी सी में, दो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्लियरली एफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ई सी बी को हम लिख सकते हैं ए सी बी, एक ही बात है ना, ए सी बी, ठीक है। सिमिलरली अब बाकी सब सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने जस्ट ये दो ट्राइंगल्स लेके कॉन्ग्रेंट किया है, वैसे ही ऐसे दो और कॉम्बिनेशन आपको, दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो वो सब सेम प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है ज्योमेट्री में, सेम प्रूफ सिर्फ नेमिंग अलग होने से अलग हो तो आपको क्या करना है, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। तो जैसे हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया, जैसे हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिया, वैसे ही एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी होगा, ठीक है। बिल्कुल 100% आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सेम प्रूफ वापस से बार बार नहीं किया जाता ज्योमेट्री में, सोचो कि वापस करोगे तो कितना लंबा भी हो जाएगा, करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो एंगल इक्वल आ गए तो सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल मींस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, थैंक यू।